गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज है उत्तराखंड राइड का डे टू एंड रोहित भैया और मैं निकले हैं टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ भीमताल। हम लोग वैसे रात में ही बाहर जाने वाले थे, बट जब तक हम लोग डिनर करके आए करीब 8 बजे के आसपास, तब तक सब बंद हो चुका था। तो याद रखिएगा कि जब भी आप इस जगह पर भीमताल या किसी भी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो बहुत जल्दी वहाँ पे सिटी बंद हो जाती है। 8 साढ़े 8 मैक्सिमम सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो भीमताल वाली जो मार्केट जहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया था, दैट स्टार्टेड अराउंड 500 मीटर बैक, और अभी एक रास्ता है यहाँ पे जाके देखने का। नहीं, सो दिस इज भीमताल। एक लेक है और उसके पूरे साइड में शहर बसा हुआ है। जब आप भीमताल एंटर करेंगे तो लेफ्ट में रास्ता कैची धाम को जाता है एंड राइट में भीमताल सिटी है। होटल के लिए टेक अ राइट। शुरू में होटल्स दे आर गुड, बट जो इस साइड होटल्स हमें दिख रहे हैं दे हैव अ मच बेटर व्यू और बाहर से दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे कैची धाम के लिए। इट इज़ सपोज टू बी अराउंड 17 किलोमीटर्स। इस समय टाइम हो रहा है 10:53। नाउ लेट्स सी कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो हम लोग अब भीमताल से निकल रहे हैं। इस समय टाइम हो गया 11:26। एक बैग हम लोग का डैमेज हो गया था तो उसको रिपेयर कराना पड़ा था, तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लग गया। बट नाउ वी आर ऑफ टू कैची धाम, एंड कैची धाम में मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे बिकॉज इस समय आज संडे है, भीड़ ज़्यादा होगी। एंड तो बाहर बाहर से देख के वी विल मूव ऑन टू आज की डेस्टिनेशन विच इज सपोज टू बी करण प्रयाग। इस साइड से जो रोड आ रही है वो नैनीताल से आ रही है और जहाँ से हमारे वो भीमताल से आ रही है। तो कैची धाम अगर आपको जाना है तो यहाँ से रोड जाती है, ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, एक तो आज संडे है, ऊपर से दो सिटीज़ से गाड़ियाँ आ रही हैं गोइंग टूवर्ड्स वन सिटी। व्यू ही व्यू, ड्राइवर ही चला गया उसका तो। व्यूज कितने अच्छे हैं यहाँ पर। ये कैची धाम मंदिर हम लोग आ गए हैं, बट एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। वीकेंड भी है आज, सो वी विल नॉट बी स्टॉपिंग हेयर, वी विल जस्ट गो थ्रू। सो ऊपर से नीचे आने में आई थिंक वी टुक अराउंड 40 मिनट्स। काफ़ी ट्रैफिक था पूरे रास्ते, ऐसे ही धीरे 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 चलते रहे। जब स्टीव जॉब्स 1974 में नीम बरौली बाबा के आश्रम में आया था तो ही वॉन्टेड टू मीट हिम, बट ही हैड नो आइडिया कि 1973 के सेप्टेम्बर में ही बाबा जी हैड ऑलरेडी डाइड। एंड मार्क ज़करबर्ग का था कि ही केम हेयर फॉर वन डे, बट बिकॉज उसको इतना अच्छा लगा था तो ही स्टेड लॉन्गर यहाँ पर। तो मस्त लगता है लेयर में जो माउंटेन दिखता है। Anyway, moving on. So this is the aftermath of a landslide. देखिए यहाँ से रोड आधी चली गई है। This is also a landslide site. ये पूरा पूरा नीचे खिसक गया होगा। तो हम लोग यहाँ जोशी रेस्टोरेंट पे रुके थे, ये गर्म पानी एरिया में आता है। और यहाँ से अगर व्यू की बात करें तो रेस्टोरेंट के बैक साइड से व्यू कुछ ऐसा है। अमेजिंग। एक छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ था, नेचुरल ऑफ कोर्स।
And these must be the marks of landslides. Yeah. Anyway, हम यहाँ पे खाना खाएंगे, देन आगे निकलेंगे. सो हम लोग खाना खा के जोशी रेस्टोरेंट से निकल गए हैं. वहाँ का पीछे का व्यू वर सो नाइस, पूरे माउंटेन्स दिख रहे थे नीचे, रिवर, लैंडस्लाइड सब. एंड अब हम लोग जा रहे हैं करण प्रयाग के लिए. लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं, और वहाँ तक शाम होने से पहले पहुँच भी पाते कि नहीं. वी आर ट्राइंग टू अवॉइड नाइट ड्राइविंग, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू अवॉइड नाइट ड्राइविंग. देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे वहाँ पे एक होटल लेके वील स्टे देयर. क्या बेहतरीन व्यू है भैया इधर तो, मतलब वाह. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ व्यूज दैट वी केम हियर फॉर. हाँ, अमेजिंग. तो हम लोग फिर से एक बार व्यू देखने के लिए रुक गए हैं. हमें लगता नहीं हम लोग करण प्रयाग तक भी पहुंच पाएंगे आज. थोड़े थोड़े टाइम में इतने सीनिक व्यूज़ आते हैं कि रुक के देखने का मन करता है. तो दिस इज़ वन ऑफ देम. तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टॉप नाउ, और यहाँ से व्यू इज अगेन अमेजिंग. इफ यू मैरिड डाइवोर्स स्पीड. एनीवे, हम लोग रानीखेत आ गए हैं. अब यहाँ से हम लोग करण प्रयाग के लिए जाएंगे, विच इज़ अराउंड 146 किलोमीटर्स. विल टेक 4.5 hours टू रीच. सो दैट वॉज आर टारगेट दिस मॉर्निंग. देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं. So we have finally started seeing snow-covered mountains उस साइड पर. अभी यहाँ से टर्न लेंगे तो आई थिंक बेटर व्यू मिलेगा. वो रहे, हम लोग यहाँ ऊपर रुक गए थे एक छोटे से फोटो सेशन के लिए. वो छोटा सा फोटो सेशन आई थिंक लास्टेड 1 hour. अब हम लोग फिर से आगे बढ़े हैं करण प्रयाग के लिए, और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज 7 PM. That is if we do not stop. So we have reached Dwarhat and time is 4:22 PM and Karan Prayag is still 100 kilometers away. यहाँ mountain roads पे 100 kilometers can take 3 hours, nobody knows. Because turns इतनी होती हैं कि you can't just build up speed. Even though we are here for these turns, पर डिस्टेंस भी कवर करना है हम लोग को. तो यहाँ पे फ्यूलिंग करा के अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. और इस वाली रोड पे काफ़ी जगह पे इस तरह के पैचेस हैं, लाइक ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड टर्न हैज़ दिस काइंड ऑफ पैचेस. यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क आई गेस चल रहा है. ये ओ वाओ, इतने सारे हैं तो 4 बैठे हुए हैं. वो कुछ मरा है, 1, 2, 3 ऊपर एक और है और इधर एक है. वाह, वो बहुत सारे हैं. यहाँ पे कुछ स्मेल आ रही है, समथिंग हैज डाइड हियर, एंड उसकी वजह से ये देखिए सब बड़े बड़े ईगल्स बैठे हुए. बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है.
probably some animal has died here. 75 kilometers away and time ho gaya hai 5:12 PM. ये आ गया बोर्ड गनप्राग 76 किलोमीटर्स. जस्ट लुक एट द व्यू. सो द करेंट टाइम इज 6:05 PM एंड वी आर स्टिल अराउंड 2 hours अवे फ्रॉम करण प्रयाग. अंधेरा हो ही चुका है एंड एक टेंशन ये भी है कि वाइल वी वर इन भीमताल वी नोटिस्ड कि 9 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है उधर. रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स, एवरी थिंग वॉज शट डाउन बाई 9 PM. तो हम लोग को एक ये भी टेंशन है ऐसा ना हो कि हम लोग 9 बजे करण प्रयाग पहुँचे एंड वी डू नॉट फाइंड अ होटल या खाना. So what we are trying to do now is drive to the next good hotel. So time ho chuka hai raat ke 8:30 baje. Hum log dinner kar chuke hain and ab bas fatafat soyenge because aaj hum log Karan Prayag tak nahi pahunch paye the aur kal hum log ki koshish rahegi to leave as early as possible in the morning and at least Chopta tak kal hum log cover karenge. So thank you everyone for watching and follow me on Instagram and subscribe to this channel. Until next time, bye bye.